स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खालिक दीना हाल गुज़श्ता 73 बरस से तालिबे इल्मों की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। SWO के प्लेटफॉर्म से अब तक 20 लाख से ज़ायद तालिबे इल्मों को तालीमी सहूलियात फराहम की जा चुकी है और आज भी बिला तफरीक रंग व नस्ल मजहबी तालिबे इल्मों की खिदमत का सफ़र जारी है। अपनी सबका रिवायात को बरकरार रखते हुए गुज़श्ता रोज़ 800 से ज़ायद तालिबे इल्मों में स्कूल बैग और कापियाँ एक्सरसाइज बुक्स तकसीम की गई। सादा और पुरवकार तकरीब में मशहूर समाजी रहनुमा हाजी मसूद पारिक मरूफ ताजर मोहतरम मुजम्मल कुरैशी बल्दिया उज़्मा कराची महकमा स्पोर्ट्स एंड कल्चर के सीनियर डायरेक्टर जनाब रज़ा अब्बास रिज़वी ने खसूसी शिरकत की और SWO की खिदमात को सराहते हुए अपने हर मुमकिन तआवुन का यकीन दिलाया और तालिबे इल्मों में स्कूल बैग एक्सरसाइज बुक्स और दिगर तालीमी सामान तकसीम किया ताकि मुस्तकबिल के मेमार अपना तालीमी सफ़र जारी रख सकें। तकरीब में शहर के समाजी इल्मी और अदबी शख्सियात आर्ट्स कौंसिल के मुतहरिक मेंबरान और ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मेंबरान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान जनाब बशीर सदोजई अंजुम महमूद रफीक मजीद और तारिक रहमानी ने ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात और कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए इल्म के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमत के जारी रखने के अज़्म और SWO के बानी यूनस रिज़वी मरहूम के मिशन को आगे बढ़ाने का आदा भी किया। इन नामसाज हालात में ये लोग जो है 1000 बच्चों को स्कूल बैग जो कॉपियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। 1951 से बनी हुई ये वेलफेयर है एसोसिएशन जो कि काम कर रही है। पहले कराची में लियारी और रंगी से कुछ लोग आ जाया करते थे और बच्चों को यहाँ पे किताबें स्कूल बैग मिल जाया करते थे, लेकिन आज जो लोगों की बड़ी तादाद थी उसने बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दे हटाए। हमारी अपनी आंखें खोलने के लिए बात काफ़ी है कि लोग किन हालात से दो चार हैं इस वक्त कराची के। उनके लिए बिजली के बिल भरना, अपना राशन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है और इन हालात में वो बेचारे बच्चों के लिए स्कूल के बस्ते और किताबें कहाँ चले। तो काबिल तहसीन है ये लोग ये एफर्ट्स कर रहे हैं और एक इतनी बड़ी तादाद बच्चों की यहाँ आई, उनकी माएँ बाप यहाँ आए और उन्होंने बच्चों के लिए अगर एक के 3 या 4 बच्चे भी हैं तो 3000 रुपये का एक सेट पड़ता है ये किताब कॉपियों का। और कम से कम हमने 800 बच्चों को किताबें तकसीम की है और इंशाल्लाह और 300 काम और बाकी हैं तो वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वो भी हम दे देंगे। और हमने इस दफ़ा स्कॉलरशिप का भी इंतज़ाम किया हुआ है, हाजी मसूद पारक साहब ने बड़ी हमारी हेल्प की है और इंशाल्लाह ये स्कॉलरशिप का भी हम लोगों में स्कूल कॉलेज के उसमें स्कॉलरशिप दें और अभी आज के दिन मदद कर रही है एजुकेशन में। और ये हर साल एक प्रोग्राम रखते हैं, एक वैसे तो पूरा साल चलते हैं ना सारी चीज़ें, इमदाद हम देते हैं एजुकेशन में सारा साल चलता है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है हमारे डोनर की कि उनको थोड़ा सा देखना होता है कि भाई देखें हमारे ये मेम्बर है सारे इनको देते हैं। लेकिन आज जो है वो 2500 आदमी आए और जो उनकी तड़प थी कापियों और उसके बस्ते के लिए, और एक एक आदमी के साथ 3-3, 4-4 बच्चे, ये देख के मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस। ऐसे भी देना चाह रहे हैं हमारी हुकूमतों को, हमारे आवाम को, कि यहाँ आन के देखें कि लोग अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए मदद परेशान हों और यही वजह है कि आप के ज़रिए हमारा मैसेज जाता है दुनिया में कि ये देखिए एक तंजीम जो 1951 में फाइम हुई थी 72-73 साल से मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रही है और तलबा को किताबें कापियाँ बस्ते फीसें यूनिफाम और जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अकेले के बस का काम नहीं है। इसमें जो है उन मुखय हजरात को हमारे साथ तआवुन करना होगा।